3 दिन पहले ब्यास नदी में नहाने गए होशियारपुर के टांडा के 5 बच्चों में से 3 के डूबने का मामला सामने आया था। जहां प्रशासन बच्चों के शव को तलाश करने में लगा हुआ था, वहीं आज जलंधर से आई SDRF की टीम के गोताखोरों ने 3 बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए हैं। वहीं बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद सभी बच्चों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया। पेश है इस संबंधी हमारी रिपोर्ट। ब्यास दरिया से पिछले दिन एतवार को एक बड़ी दुखदाई घटना वापरी सी। पिंड बल्ला के कुछ नौजवान मुंडे दरिया के पानी के आए तो अचानक डुब गए। उन्होंने लाशा को कढ़ने वास्ते सरकार वालों पुलिस प्रशासन वालों एडमिनिस्ट्रेशन वालों पूरे जोर शोर के नाल SDRF की टीम को PAP तो लिया के प्रेस किया गया। उन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत मुशक्कत के नाल 2 दिन पूरा जोर ला के अज इस देशों दरिया दे लाशा जड़िया 3 लाशा बरामद हो गई जिन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बटाला सिविल अस्पताल क्योंकि भेजा गया। मैं SDRF का इंचार्ज हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर रुपेश कुमार। SDRF की जी गठन हुई है, यदा मेन मकसद है जी कि पंजाब जिथे भी कितने आपदा आंदा है वो जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करना। आज सानू एतवार को सानू पता लगा ही इतने 3 मुंडे डूब गए। असी पहुंच के एतवार सोमवार ते आज रेस्क्यू ऑपरेशन सर चलाया जिहदे विच हुण आपां नूं कामयाबी मिली है ते 2 बजे तो लैके हुण तक दे विच आपां 3 बॉडी रिकवर करके उस पासे पहुंचा रहे हैं। ये जी संडे एतवार करीब 11 बजे 10:30 बजे करीब ये डुबे ने। ये पिंडू 5 मुंडे आए ने इकट्ठे हो गए। इहदे मां प्यो नूं नहीं पता भी कित्थे गए ने कित्थे नहीं। इक जी 11 बजे आए ते 2 मुंडे विच नहीं गए, 3 अंदर चले गए ने। वह 2 मुंडे के सामने डुबे ने। उन्होंने को पूरी स्टेटमेंट के हिसाब से जिदा जिदा उन्होंने दसिया भी 2 इतने एक डुबे ने, एक अगे हथ मारता थले किला थान चला गया। वो उत्थे जाके तो अगे जाके डुबा किला का। बाकी जी एक टोटल 5 मुंडे से, 5 चो 2 पिछे रहे ने, वो पानी च नहीं गए। छोटे पानी च खेडे ने उन्होंने और वड्डे पानी च नहीं गए।